तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफजे ब्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है एक डिफरेंट तरीके से काम करने वाले हैं अपनी बाइक के ऊपर, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। आज तक जो है मतलब किसी ने नहीं किया होगा इस टाइप का कि एक TVS स्पोर्ट का कार्बोरेटर आपने जो है TVS XL 100 के अंदर लगाना है। तो ये मैंने सोचा क्यों ना मतलब एक अच्छा एवरेज पाने के लिए TVS स्पोर्ट का कार्बोरेटर लगाया जाए। तो मैंने जो है यही सोचते हुए एक स्पाको कंपनी का नया कार्बोरेटर मंगाया और TVS XL 100 के अंदर जो है स्पाको कंपनी का मैंने जो है कार्बोरेटर लगाया। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वो जो है वो चेंजेस करना पड़े, क्योंकि जो TVS XL 100 का कार्बोरेटर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और TVS स्पोर्ट का जो कार्बोरेटर होता है वो तो अलग होता है। और इसकी जो पेट्रोल की जो सप्लाई होती है जिसमें वो कार्बोरेटर कसा होता है, तो जो कार्बोरेटर की जो लगोवी होती है जिसमें कार्बोरेटर कसा हुआ होता है तो वो डिफरेंट होती है। तो उसको कुछ हमें कट करने के बाद उसको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके की होती है। तो ये है उसकी जो इंजन में लगी होती है कार्बोरेटर जॉइंट होती है, इसके द्वारा जो है पेट्रोल जाता है इंजन के अंदर, कार्बोरेटर जो है इसे जॉइंट होता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये है TVS XL की। तो अभी हमें जो है इसको कट करना होगा। अब वो कट इसलिए करना होगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मुंह है वो नीचे की साइड में है, ऊपर नीचे इसके बोल्ट लगे हुए हैं। लेकिन अब हमें जो है इसे करना है बिल्कुल आमने सामने करना है, मतलब यहाँ से आप मैंने देख रहे हैं कि मैंने इसका जो है वो कट भी लगा लिया यहाँ पर से मुझे कट करके। अब इसे जो है रोटेट करना घुमाना है और फिर उसके बाद मुझे जो है इस पर फिर वेल्डिंग भी करानी पड़ेगी। तो मैं पहले से काटता हूँ फिर उसके बाद इस पर कराएंगे वेल्डिंग। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसकी कटिंग करके अब जो है हमने इसे सीधा कर लिया। पहले आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल जो है ऊपर नीचे था, अब ये है ये आमने सामने हो गया है। तो अब अभी मैंने जो है इसमें LP लगा के सिर्फ चिपका दिया इसके सेंटर में लाने के लिए, क्योंकि हमें जो है इसके अंदर वेल्डिंग भी करानी है। तो अब जो है इसका सेंटर वगैरह सब हो गया है, अब ये सेटें वगैरह मैंने सब एक से आर करके इसे लगा दी। अब जो है इस पर हमें वेल्डिंग कराना है एलुमिनियम वाला, तो वेल्डिंग कराने के बाद मिलते हैं। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेल्डिंग हमने जो है इस पर करा ली है। तो ये कुछ इस तरह की, अभी जो है थोड़ा बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा और बाद में जो है इस पर हमें MCL भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि MCL लगाने के बाद ही इसके अंदर जो है बिल्कुल भी कोई लीकेज वगैरह नहीं होगी। अभी हल्की हल्की सी इसके अंदर जो है लीकेज वगैरह भी है, तो पहले थोड़ा सा इसे ग्राइंड करते हैं फिर इसे लगाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसके अंदर जो है वो MCL वगैरह भी लगा दिए और अभी जो है थोड़ा फिनिशिंग इसकी सही आ गई। अब जो है इसका सूखने का वेट करते हैं। और हमारा भी एक कॉटन भी आया है, तो दिल्ली से हमने इसके अंदर जो है मतलब अपना सामान मंगाया था, तो अब जो है उसको भी ओपन करते हैं। तो ये अपना जो है थोड़ा सामान आया है। तो इसके अंदर जो है एक मैंने इसके अंदर डिजिटल मीटर भी मंगाया है और इसका एक कार्बोरेटर मंगाया है, तो अभी इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो है कुछ थोड़ा सा सामान आया है, बाकी तो अपनी दुकान में जो है काफ़ी सामान है, देख भी पाते हैं, देख सकते हो कितना सामान है। बाकी थोड़ा सा जो है एमरजेंसी जो है ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगाया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कार्बोरेटर और इसका मीटर जो मैंने मंगाया है। सो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्पाको कंपनी का कार्बोरेटर जो है वो मंगाया है और इसकी ओपनिंग करके दिखाता हूँ। अगर मैं आप चाहते हैं कि कितने का मुझे पड़ा है तो वो भी मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगा। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ और ये कुछ इस तरह का कार्बोरेटर है, ओरिजिनल कार्बोरेटर है स्पाको का। तो इसे भी हमें जो है फिट करना है थोड़ा बहुत, अभी इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो ये नहीं लग पाएगा लेकिन जुगाड़ करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है डिजिटल मीटर मंगाया था, तो डिजिटल तो नहीं आया लेकिन जो है ये स्पीड वाला आया है, ये जो होता है इस टाइप का। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है इसको भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। तो गाइस कार्बोरेटर लगाने से पहले हमें जो है थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका थोड़ा सा सेंटर आउट हो रहा है, कि अगर हम इसके अंदर लगा रहे हैं तो यहाँ जो है इसके बोल्ट हैं तो इसके अंदर जो है ये नहीं आ पा रहा। तो हमें जो है इसका थोड़ी सी कटिंग करना पड़ेगी, इसमें भी रबड़ में भी करना पड़ेगी और इसमें भी करना पड़ेगी, तो उसके बाद ही जो है ये वर्क करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो है दोनों चीज़ों की कटिंग कर ली है, इसकी भी कर ली और जो इसके रबड़ है दोनों चीज़ों की कटिंग कर ली। तो अब हम जो है इसमें हमें लगाना है, तो बस इसे लगाते हैं और फिर उसके बाद बाइक में कसते हैं कार्बोरेटर को, फिर देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं। जैसा कि आप जो है देख पा रहे हैं कि मैंने इसके अंदर जो है कटिंग करने के बाद एक अपना कार्बोरेटर इसके अंदर कस दिया है, बार्सल लगाने के बाद, बार्सल लगानी पड़ी है मुझे इसके अंदर। तो मैंने जो है कस दिया, अब जो है मैं कसना है अपनी गाड़ी के अंदर और फिर करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपनी बाइक में जो थोड़ा सा काम रह गया था वो कम्प्लीट हो चुका है। हमने इसका जो है कार्बोरेटर जो नया लेके आए थे वो हमने जो है इसके अंदर लगा दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और ये सब मैंने जो है कल ही काम कर दिया था, आज जो है सेकेंड डे है। और मैंने इसके अंदर जो है मीटर भी जो है इंस्टॉल कर दिया है, ये मीटर भी जो है वो रनिंग कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। पहले जो है मतलब इसकी रीडिंग कुछ और थी, अब जो है कि इसकी रीडिंग और है, तो मतलब काफ़ी अच्छा जो है वर्क कर रहा है। अब तो जो है इसका एवरेज वगैरह सेट करना रह गया है, एवरेज वगैरह भी जो है हम इसकी वीडियो बनाएंगे कि अब जो है कितना एवरेज यह दे रही है। तो मैं आपको जो है इसे स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ
किस तरीके से स्टार्ट होती है। तो अभी थोड़ा सा काम रह गया इसके अंदर, तो यहाँ जो है देख पा रहे हैं कि इंजन जो है स्टार्ट हो चुका है अपना, इंजन स्टार्ट हो गया अपना। ये साउंड भी सही है इसकी, बस एवरेज वगैरह इसका रह गया सेट करना और चला के देखेंगे। तो बस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं आपको।